नमस्कार मित्रों, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर कोई भी व्यक्ति किसी का भी मजाक उड़ा देता है। अग्रिमा जोशुआ, जो कि एक राइस बैग कन्वर्टेड है, चावल के कारण ईसाइयत में कन्वर्ट हो गई, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज का उसने मजाक बनाया स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर। और सबसे बेशर्मी तथा लज्जाजनक बात यह है कि जो सारे ऑडियंस उसके सामने खड़े थे, जो सारे ऑडियंस उसके सामने बैठे थे, वे लोग निर्लज्ज निकृष्ट हंस रहे थे बेशर्मी की तरफ। जिसको आपत्ति होनी चाहिए इसके कॉमेडी को लेकर, वे लोग निर्लज्जता की सीमाएं लांघ कर उसके सामने हंस रहे थे। द शिवाजी स्टैच्यू, या आई एम साइक्ड अबाउट इट, आई वॉन्ट टू गो नो अबाउट इट, आई वॉन्ट टू रीड अबाउट इट, सो आई वेंट टू द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ न्यूज ऑन द इंटरनेट, कोरा। वहां पे किसी ने निबंध लिख रखा है, दिस Shivaji statue is amazing masterstroke by a Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. दूसरा बंदा है, उसने सोचा ये creativity contest है, तो उसने सोचा yes, it will also have GPS trackers and it will shoot laser rays out of its eyes to kill Pakistani terrorists in the Arabian Sea. तीसरा बंदा आया, guys, please get your facts right. सबसे समझदार, प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट, इट्स नॉट शिवाजी, इट्स शिवाजी महाराज, मैंने उसी को फॉलो किया। मैंने कुछ दिन पहले ये भी देखा था, आपने भी देखा रहा होगा, सुरलीन कौर नाम की एक महिला थी जिसने इस्कॉन के लेकर अभद्र टिप्पणी की थी तथा ऋषि मुनियों के लेकर उसने गाली दिया था। आप सबको मैं बता दूं, बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। तो ऐसे कॉमेडियन जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर हमारी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, कभी हमारे भगवान के ऊपर उपहास करते हैं, तो कभी हमारे महानायक वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के कलंकित करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को महाराष्ट्र सरकार, चूंकि अब तो सेकुलर बन चुकी है, हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम यही प्रयास करेंगे कि उसका किसी न किसी तरह से गिरफ्तारी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को कानून के दायरे में कठोर सजा होनी चाहिए। अन्यथा ये लोग बार बार कभी हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ा रहे हैं, कभी हमारे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का मजाक उड़ा रहे हैं। जिसका मन आ रहा है जो वो कर रहे हैं। हमने देखा मुनावर फारूकी जो भगवान श्री राम और माता सीता का उपहास उड़ा रहा था। कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया, और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। तो ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्हें कानून के अंतर्गत सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये किसी की धार्मिक भावनाओं, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं और ये समाज में उपद्रवता तथा हिंसा को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत होंगी तो लोग हिंसा पे अवश्य उतरेंगे। मेरी सरकार से अपील है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और कानून के अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जय हिंद।